ये बहुत ही अल्टीमेट और जानकारी भरा होने वाला है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं है और जो प्रीमैच्योर एजुकेशन या शीघ्र पतन का शिकार है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर एजुकेशन जैसी बीमारी को हरा देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, और ध्यान रखिए ये जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसकी 3 स्टेजेस हैं और तभी ये इलाज कंप्लीट होता है। तो बीच में इस वीडियो को छोड़ के ना भागे, अगर आप आखिर तक देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आपकी एनर्जी को बचा के रखती हैं, जो आपका जोश और एनर्जी उसको थोड़ा सा ठंडा करके रखती हैं। दूसरी स्टेज में हम आपको वो दवाइयाँ देते हैं जो ताकत बढ़ाती हैं, जो वीर्य को गाढ़ा करती हैं, और फिर तीसरी स्टेज में हम वो दवाइयाँ देते हैं जो आपको जोश देती है, एनर्जी देते हैं, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। जो पहली स्टेज है उसमें आपको ये मैं 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये आपको शुरू करनी पड़ेंगी और 30 दिन तक खानी पड़ेंगी। ये ध्यान रखें कि इन 30 दिनों में आप अपने पार्टनर से संबंध ना बनाएं, आप उस एनर्जी को बचा के रखें। और इन 30 दिनों में थोड़ा सा आपको लगेगा कि एनर्जी लेवल कम हो रहा है, थोड़ी शीतलता है, शायद इरेक्शन में भी थोड़ी कमी आ रही है, बट ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इससे घबराएं ना। जो 3 दवाइयाँ आप नोट कर लीजिए, जिसमें सबसे पहली दवाई होती है वो होती है खमीराए खशखाश, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस दवाई का 7 ग्राम रोज़ाना शाम को सोते समय लें, इससे आपको थोड़ी नींद आएगी, तो ड्राइव ना करें। जो दूसरी दवाई है वो होती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली की एक्चुअल में जड़ इस्तेमाल की जाती है, मार्केट में ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल पाउडर्स आपको मिल जाएंगे किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे, या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। इसका 7 से 10 ग्राम सुबह शाम आप इस्तेमाल करेंगे, सुबह आप खाने से 1 घंटा पहले दूध के साथ और रात को भी खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ लेंगे। और इसके साथ साथ आपको माजून आरद खुरमा एक दवाई आती है, इसका 7-7 ग्राम लेना है सुबह और शाम, जब आप ये पाउडर ले रहे हैं उसी समय। ये आपको 30 दिन तक करना है और 30 दिन तक आपको नियम का पालन भी करना है। 30 दिन के बाद फिर हम आपकी दवाइयों में थोड़ा चेंज करेंगे। आपको जो माजून आरद खुरमा है इसको आप कंटिन्यू रखेंगे और बाकी जो दवाइयाँ थी उनको रोक देंगे, और आप ऐड करेंगे 2 और दवाइयाँ, जिसमें एक है माजून मुमसिक मुकव्वी, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका 5-5 ग्राम आप माजून आरद खुरमा के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, और इसी के साथ साथ आप एक टैबलेट इस्तेमाल करेंगे हब्बे अंबर मोमियाई, इसका 1-1 गोली आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। और एक हिमालय की दवाई आती है स्पीमेन फोर्ट, इसका भी आप 1-1 गोली सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। अब ये 4 दवाइयाँ आपको 30 दिन तक इस्तेमाल करनी है। यहाँ से आप चाहें तो अपने पार्टनर से संबंध बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो एक्सपेक्टेड है। ये परफॉर्मेंस आपको तीसरी स्टेज पार करने के बाद ही मिलेगी। जो तीसरी स्टेज शुरू होती है दोस्तों, वहाँ पे आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी होती हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं, जो आपको जोश देती हैं। तो यहाँ पे आप इन सारी दवाइयों को बंद करेंगे और अब आप शुरू करेंगे ये नई दवाइयाँ, जिसमें जो दवाई पहली होती है वो होती है लबूबे कलौंजी। इस दवाई का 7-7 ग्राम आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ, अब आप दोनों टाइम दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवाई होती है जिसको माजून मुगल्लिस मनी के नाम से जाना जाता है, इसका भी आप 7-7 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। और जो तीसरी दवाई है उसको कहते हैं माजून जलाली, इस दवाई का भी आप 7-7 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ। ये तीनों दवाइयाँ आपको लगातार 1 महीने इस्तेमाल करनी है। जब आपका ये 90 डेज का कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है 100% जाती रहेगी। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के रखें, थोड़ी देर फोर प्ले करें, पार्टनर से बातें करें, जल्दबाजी ना करें, और आप देखेंगे कि आपका टाइम बढ़ जाएगा, आप और पार्टनर दोनों खुश होंगे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की बीमारी जाती रहेगी। बीच बीच में आप माजून आरद खुरमा और माजून फलासफा और माजून मुगल्लिस मनी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वाइडली शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।